हेलो दोस्तों, टेक्नोदुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब कैसे होंगे? आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अंडर 20,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अंडर 20,000 के अंदर एसर एस्पीरिया 31521 का एक जो है 15.6 इंची का लैपटॉप है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको देख लेते। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है। और आगे चलकर आप लोगों का इस तरह का टिप्स टेक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। और दोस्तों, मेरे चैनल पे गिवा अवे चल रहा है, जाके आप एंड्रॉइड टीवी और स्मार्टफोन को जीत सकते हो। गिवा अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका बाइंग लिंक दे दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। तो बॉक्स को जिस तरह से मिल जाता है, तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो आपको AMD A सीरीज का डुअल कोर का A6920 का टर्बो बूस्ट जो है प्रोसेसर 2.9 GHz का आपको मिल जाता है। और डिस्प्ले जो आपको मिलता है 15.6 इंची का HD डिस्प्ले आपको मिल जाता है, वो भी हाई ब्राइट लेवल के साथ। एसर का कॉम्ब्यू डिस्प्ले LED बैकलाइट TFT LCD के साथ आपको मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें दोस्तों अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 1 TB का हार्ड डिस्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। और मेमोरी जो है 4GB DDR4 जो मेमोरी है उसको आप देख से मिल सकता है, और एक्सपेंडेबल आप कर सकते हैं 4GB से 12GB तक, ठीक है। और इसमें आपको प्री लोडेड जो है विंडोज 10 होम बेसिस देखने के लिए मिल जाता है। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें ग्राफिक्स जो है AMD रेंडन का R5 ग्राफिक्स जो काफ़ी अच्छा है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और डुअल बैंड वाईफाई इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, 2.4 GHz और 5 GHz का। और 37 AH का जो बैटरी होता है आवर्स का पर आवर्स का, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है 2 सेल का। और इसमें दोस्तों MS जो ऑफिस होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता, पर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा है। 2 USB पोर्ट जो 2.0, एक दोस्तों आपको जो है 3.0 पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड जो है आपको HDMI पोर्ट जो नॉर्मल है, और एक जो लैन पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और आपको जो है माइक्रो SD कार्ड लगाने का जगह भी मिलता है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग का फैसिलिटी दिया गया है। और साइड में आपको जो है, अगर आप पोको फोन यूज करते हैं आपको पता होगा जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो इसमें जो है इसमें दिया गया है। देख सकते हैं कॉपर जो प्लेट है इसके साथ ही काफ़ी अच्छा इसका लुकिंग आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है दोस्तों, अभी जो मैंने लिया था 20,000 के अंदर लिया था, 19,000 के अंदर आपको मिल गया था, मेरे को जो है मिला था। आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में बाइंग लिंक चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करना। हैव ए गुड डे।